विश्वास से लेकर यारों का टशन का जो सफ़र है बहुत ही एक महत्वपूर्ण सफ़र है। इस सफ़र में हमने जीवन के उन पहलुओं को देखा है जो हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लेकर आते हैं, सक्सेस एंड फेलियर्स लेकर आते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एज ए मेकर, एज ए क्रिएटर एंड एज ए पर्सन, एंड आई हैव ट्रूली एंजॉयड इट एक्चुअली। यारों का टशन के दो मतलब निकलते हैं। एक तो होते हैं यार मीन्स दोस्त, यारों का टशन, और एक दूसरा मतलब निकलता है y.a.r.o, लेकिन मैं इसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि देयर मस्ट बी सम एक्चुअली समथिंग विच इज़ ए मिस्ट्री ऑल्सो, बट ऑब्वियसली इट इज़ द नेम ऑफ ए रोबो जो अभी एक ह्यूमन बीइंग बन चुका है। एक जो रोबो है वो एक ह्यूमन बीइंग बन चुका हुआ है, लेकिन इसका YARO स्टैंड फॉर व्हाट ये आपको मैं बताने वाला नहीं हूँ। उसके लिए आपको 26 जुलाई को शाम को 7:30 बजे सब टीवी को देखना पड़ेगा और तभी आपको पता लगेगा कि इसका मतलब क्या है। आज के ज़माने के अंदर जब आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए तो यू हैव टू गिव समथिंग वेरी डिफरेंट। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने एक बॉय मीट गर्ल की एक कॉमेडी बना दी या एक रोमांटिक सील बना दिया। सो जिसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा किक, वो एक्स्ट्रा किक क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने कहानी को इस तरह मोड़ दिया कि एक कपल है, उस कपल के यहाँ पर उनकी कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है, एंड दे आर डिप्राइड ऑफ द चाइल्ड एक्चुअली। तो जो हस्बैंड है ही इज़ बेसिकली साइंटिस्ट, तो वो एक दिन कुछ डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं और कुछ टाइम लेते हैं कि जहाँ पर वो एक क्रिएट करते हैं एक रोबो को। तो रोबो एक इंसान के रूप में जब आएगा तो यू विल हैव लॉट ऑफ फन, फ्रॉलिक, स्पेशल इफ़ेक्ट्स, ग्राफिक्स। तो यारो का टशन, यारो एक रोबो के रूप में जो है, इट विल गिव अ डिफरेंट डायमेंशन 360 डिग्रीज टू द एंटायर शो। जहाँ तक हमें अपने आर्टिस्ट को चुनना था, उनका चयन करना था, इट वॉज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। सो आई हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट टीम, और मेरे साथ मेरे को प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं सुनील गुप्ता। तो हम सब लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हमें काम क्या करना चाहिए, तो हमने दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, चंडीगढ़, इन चार जगह पर हम लोगों ने ऑडिशंस करवाए, एंड ऑलमोस्ट 500 टैलेंटेड आर्टिस्ट वी चोज वन। ऑफ कोर्स वी चोज अनिरुद्ध दवे एज यारो, बट फ्रॉम द इंडस्ट्री ओनली। इसके अलावा हमारे यहाँ जो तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, जो दो दोस्त हैं और उनके साथ जो एक ब्यूटीफुल गर्ल है माहिरा, उनके लिए हमें इन तमाम शहरों में जाना पड़ा। बट फॉर द प्रिंसिपल एक्टर्स लाइक राकेश बेदी, मालिनी कपूर, जयश्री सोनी, वी हैव टेकन इट फ्रॉम द इंडस्ट्री ओनली। बट आई एम वेरी लकी दैट माय टीम, माय कास्टिंग डायरेक्टर, माय टीम, माय को प्रोड्यूसर सुनील गुप्ता, एंड ऑफकोर्स माय वाइफ जूबी कोशर, वी डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क विद आवर इंटायर टीम एक्चुअली, एंड दैट इज़ द रिजल्ट विच यू विल सी ऑन 26th of July। जहाँ तक यारों के लुक का सवाल है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फिल्म से या सीरियल से उसको कॉपी किया है, और हमने जो सोचा है अपने दिमाग से सोचा है। मे बी यू नो कुछ लोग कहेंगे कि जो रा वन फिल्म आई थी शाहरुख खान साहब की, उससे मिलता जुलता है। कोई ये कह सकते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है ये पीके के आमिर खान साहब जैसा लगता है, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको सिमिलैरिटीज़ आपके हिसाब से नज़र आती होंगी, बट आवर यारो इज़ डेफिनेटली ओरिजिनल। आवर यारो हैज़ गॉट दैट फ्लेवर विच इज़ क्रिएटेड बाई क्रिएटिव आई एंड नॉट एनीबडी एल्स। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल कहा है कि एक दूसरे चैनल के ऊपर लाइव होके पे एक सीरियल चल रहा है हमारी बहू रजनीकांत, तो क्या उसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी है? तो अगर आप ऑनेस्टी से मुझसे जानना चाहें, ईमानदारी से जानना चाहें, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उसमें और इसमें सिमिलैरिटी कुछ नहीं है, बल्कि हम लोगों ने पहले इसके बारे में कहानी को सोचना शुरू किया था विद द राइटर अमित आर्यन, और हमारे आने में, हमारे रोबो को जन्म लेने में ज़रा टाइम लग गया है। सो हेंस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा रोबो जो है दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन दुनिया के सामने थोड़ा देर से आ रहा है। दैट इज़ द ओनली थिंग, अदरवाइज देर इज़ नथिंग, देर इज़ नो कॉन्ट्रोवर्सी, देर इज़ नो सिमिलैरिटी बिटवीन दिस दैट सीरियल एंड आवर सीरियल यारों का टशन।
जहाँ तक सवाल आता है कि एज एन एक्टर, सो एक्टर नेवर डाइज, वेदर ही इज डूइंग एक्टिंग आफ्टर वन ईयर और आफ्टर वन डे और आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स. तो जहाँ तक मेरी एक्टिंग का ताल्लुक है, मैं एक्टर इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग इन मी. मैं हो सकता है आपको यारों में कहीं ना कहीं कुछ करता हुआ नज़र आ जाऊँ. सो एक्टर विल बी ऑलवेज ऑन द फोर फ्रंट वेन एवर देर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, प्रॉबेबली सून, मे बी इन दिस सीरियल. देखिए, क्रिएटिव आई सिंस 1985-86 से लेकर 2016 तक 9000 आवर्स प्रोग्राम बना चुकी हुई है. सीरियल्स हैं जिसमें कुछ फिल्में भी हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना एक पैशन, एक नशा जो हो जाता है अपनी टीम के साथ, वो सीरियल बनाने में ही हमें बहुत आनंद आ रहा है. तो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टिक माई सेल्फ प्रेजेंटली फॉर मेकिंग ऑफ द सीरियल्स ओनली. वाई यारो का टशन इज़ ऑन 7:30, बहुत सिंपल सा आंसर है उसका, कि हमारा सीरियल जो है फैमिली एंटरटेनर के साथ साथ एक बच्चों के लिए है. वैन इट इज़ ए चिल्ड्रन सेंट्रिक सीरियल, अगर हम उसके रात को 9 बजे के बाद 9:30, 10:30 के टाइम पर लेके जाते, तो आई थिंक वो जस्टिस नहीं होता. सो टू डू जस्टिस, चैनल जो है उन्होंने डेफिनेटली एक राइट टाइम चूज़ किया है, और मैं समझता हूँ कि 7:30 इज़ ए वेरी गुड टाइम. मैं यहाँ पर चैनल के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा. जनरली लोगों को ये शिकायत रहती है कि जो चैनल वाले हैं वो आपके काम में बहुत इंटरफियर करते हैं, आपको सहयोग नहीं देते हैं. बट मैं, मेरी कंपनी क्रिएटिव आई, मेरी पत्नी जो प्रोड्यूसर है मेरे साथ जूबी कोचर, मेरे को प्रोड्यूसर सुनील गुप्ता, चैनल के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, ख़ासतौर से मिस्टर अनुज कपूर जो सब टीवी के हेड हैं, और उनकी जितनी इंटायर टीम है, दे हैव कोऑपरेटेड ट्रिमेंडसली, एंड इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ एवरीबडी, सबका एक कलेक्टिव जो काम हुआ है उसका एक ये नतीजा है जो आप 26 जुलाई को शाम को 7:30 बजे देखेंगे. मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई नई चीज़ आती है तो उसे भयभीत नहीं हुआ जाता है, बल्कि एक चैलेंज की तरह लिया जाता है. आज तक हमने हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, सोशल्स सब बनाए हैं. हमारे यहाँ पर हमने कुछ कॉमेडी में इतना बड़ा कुछ निर्माण नहीं किया था, एक्सेप्ट 2 or 3 सीरियल्स लाइक सफ़र फिल्मी कॉमेडी का, भोला भगत, नादानिया. सो इट इज़ लाइक ए चैलेंज आई हैव टेकन, एंड आई होप हम्बली बट कैंडिडली मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा जो ये टीम एफर्ट है सबका, ये ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, इतनी मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि बिना ऑडियंस के तो वी आर नोबडी. सो वी नीड द गुड ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड एंड द गुड विशेज ऑफ द ऑडियंस, और मुझे उम्मीद है कि जो हमने मेहनत करी है वो ऑडियंस को पसंद आएगी.